रिजु दत्ता इतना किया गया वहां पर, इतना अपीजमेंट किया गया कि इस तरीके से, क्योंकि आप बाकी जगहों पर देखें इस तरीके से ना तो नारे लगते और ना नारे लगने पर जो दूसरा पक्ष होता है वो चिढ़कर चला जाता। अरे गणेश जी, आप एक चीज देखिए कि इतिहास में दो बार बंगाल की जनता ने आशीर्वाद किया है जीडी को, दोनों बार भी। आप मुझे एक बार दिखा दीजिए कि कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो या एजेंडा में हम लोगों ने धर्म का सहारा लिया है। हम लोगों को धर्म का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जीडी से प्यार करते और जीडी को आशीर्वाद करते। ये लोग जो बोल रहे संदीप राजगी जी जैसे लोग हैं, ये लोग देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो कहते हैं ना धर्म के नाम पे, ये जो कट्टरता फैला रहे हैं, ये देश को कुछ सालों बाद अफगानिस्तान और ईरान। रिजु दत्ता, कहां बम रख दिया संगीत रागी जी ने जाके, कहां पे उड़ा दिया लोगों को, कहां पे उन्होंने ये कह दिया कि जितनी तादाद होगी उतने तुम्हारे वोट बढ़ेंगे इसलिए तादाद बढ़ाओ, कहां कह दिया उन्होंने ऐसा? मैं बता रहा हूं। नहीं देखिए, इस तरीके से अगर मैंने उनको रोका है किसी एक बात पे, आपको भी ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग खतरनाक है, ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। मैं सुनील चोपड़ा जी के पास जाऊंगा। सुनील चोपड़ा जी, जरा ये बताइए इस सबके बीच में जनता के मुद्दे कहां दिमाग में आ रहे होंगे जिस पर जाकर ईवीएम की बटन दबेगी? पहली बात है, जनता के मुद्दे देश के सामने है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आज पहली बार 50 साल में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है दूसरी चीज। पेट्रोल जो कि 20 रुपए पे बिक रहा है, आज 100 रुपए लीटर बिक रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, बेरोजगारी एक तरफ से, महंगाई एक तरफ से, बेइज्जती जो हो रही है, आपने मुख्यमंत्री की बेइज्जती पब्लिक मीटिंग में की है। और मेरा ये कहना है कि आज हिंदुस्तान के नागरिक अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सुनील चोपड़ा जी लगे हाथ अगर आप बता देते कि क्यों ऐसा है कि सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज की तादाद के हिसाब से अगर कहीं कोई जिला है हिंदुस्तान में तो वेस्ट बंगाल में है। क्यों ऐसा है कि सबसे ज्यादा घुसपैठ करके आए बाहर से लोग जो अकोमोडेट किए गए हैं? ये बात केरला में मलप्पुरम है, आप भूल गए हैं, केरला में मलप्पुरम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब इस देश के नागरिक। जवाब दीजिएगा, आऊंगा आपके पास। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। कोई घुसपेटिया नहीं है, घुसपेटिया ये गुजराती है जो हजारों गांव, हजारों गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा। सुनील चोपड़ा जी, ये दूसरी जगहों में जाके, ये दूसरा झूठ है। ये संगीत रागी जी लगता है ये फैक्ट्स के हिसाब से आपके साथ कोएलिशन पार्टनर था वो? नहीं, आपने क्या बात कही अभी, आपकी आवाज म्यूट थी संगीत रागी, आप पूरे तौर पे क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए। एक सेकंड सुनील जी, बात सुनिए। गौतम दास उसके फौरन बाद आपके पास, उसके बाद मैं रिजू आपके पास आऊंगा। शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम लीग के दबाव में मल्लापुरम को इन्होंने मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट बनाया था, मुस्लिम लीग के दबाव के कारण, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ इनको सत्ता का सुख भोगना था। और आज ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मल्लापुरम में रहता था, किसको मूर्ख बनाते हैं आप? देश को सच्चाई बताइए। और कोई घुसपैठ नहीं हुई है बांग्लादेश में, ये बात का कोई घुसपैठ नहीं हुई है बांग्लादेश में, क्या नहीं है हिंदुस्तान में, हमने देखा है। बांग्लादेशियों की कोई घुसपैठ नहीं हुई है वेस्ट बंगाल में, जरा इसका जवाब भी ले लें। कौन थे? एक सेकंड, सुनील चोपड़ा जी आपने ये दोनों बातें कही हैं, रिजु दत्ता भी ऐसे नकारात्मक सिर हिला रहे थे कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, संगीत रागी ये डिस्कोर्स पैदा करने की कोशिश हो रही है, ऐसा हुआ नहीं है? ऐसा है कि 1998 में टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लें ये लोग। टीवी राजेश्वर जो है वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर भी रह चुके थे, वो कांग्रेस के जमाने में अपॉइंट हुए थे वहां पे।